नहीं, आप मुझे ये बताएं क्या इस वक्त एनएफसी की मीटिंग हो सकती है? सूबों को पैसे चाहिए, एनएफसी में आ जाएंगे सारे? आप बात ही नहीं समझ रहे, काम करने के लिए इकट्ठे बैठना पड़ेगा भाई। ईसीसी की मीटिंग हो सकती है, एनडीएमए में चारों पीडीएमए आ जाएंगे, चारों सूबों के प्रोवेंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्या इस वक्त ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो सकती है कि सारी जो पार्लियामान की जमातें हैं वो इकट्ठी बैठकर कोई एक्शन प्लान बना लें इस सैलाब से के बाद, इस रिलीफ का, इस रिहैबिलिटेशन का एक एक्शन प्लान बन के सब उस पर मुत्तफिक हो जाएं? क्या कैसे होगा? डेढ़ डेढ़ ईंट की मसाजिद से हो जाएगा? वो वजीर आजम सिंध तो इसलिए चला गया कि वहां का वजीर आला वहां की गवर्नमेंट उसे वसूल करने के लिए तैयार है, वो पंजाब कैसे आएगा? यहाँ का गवर्नमेंट तो जिस जो अफसर उसे वसूल करेगा उसे ट्रांसफर कर देंगे, वो केपी कैसे जाए, वो बलूचिस्तान कैसे जाए? तो मेरी बात सुने, सबसे पहले तो इकट्ठा बैठना है। अगर एक बहरान आ गया है, एक आफत आ गई है, इतना बड़ा सानिया हो गया है, तो पहले तो भाई ये कौम इकट्ठी बैठे ना। क्या पिछले 8 दिन में इकट्ठी बैठने के काबिल हो गई है? नहीं, ठीक बात है आपकी, आपकी बात समझ मतलब है। अगर अगर किसी सूबे को अजाफी फंड चाहिए तो वो एनएफसी से आएंगे ना, तो क्या एनएफसी की मीटिंग में चारों वज़रा आला आने को तैयार हैं कि मेरे सूबे को अब इतने और चाहिए, मरकज से मैंने पैसे लेने हैं? ठीक क्या बात है। फौरी पैसों के लिए ईसीसी की मीटिंग हो सकती है, उसमें आकर चारों सूबों के फाइनेंस मिनिस्टर बैठ जाएंगे ईसीसी में मरकज के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ? क्या एनडीएमए के साथ सारे पीडीएम में बैठ जाएंगे?